बोर हो जाते, कभी कुछ चीज रहती है जो हर किसी से शेयर नहीं कर पाते। अब कैसे बाय स्ट्रेस। प्यार करना मुश्किल है क्यों? क्योंकि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। बोले मैं हूँ जीशान। तो कैसे हो आप सब? तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इंटरेस्टिंग क्यों होने वाली है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आज मैं करने वाली हूँ पॉडकास्ट मेरे सारे दोस्तों के साथ। तो शुरुआत जीशान से कर रहे हैं क्योंकि जीशान की लाइफ में कुछ हैपनिंग होते जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने सोची कि इससे ही क्यों ये चीज स्टार्ट ना करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, सबसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने, तो जीशान से मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देती हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन का आंसर देना और कुछ नहीं बोलना है ना। हाँ, तो क्या भांगड़ा करोगे तुम? खाली आंसर ही देना है, ठीक है? सवाल पे सवाल मत करना, जब जवाब मिल जाएगा तो। हाँ। जवाब पे सवाल नहीं करना। क्या बोल रही है? जवाब पे उसको जब जवाब दे देगा तो उसका सवाल मत करना। I answer, that's all. ऐसा नहीं, तुम बोलोगे बहस नहीं करना। हाँ, नहीं बहस नहीं, एक्चुअल आंसर देना पड़ेगा गाइस। ये नहीं कि ये बोलेगा मुझे नहीं बताना, ये नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर आपकी जिंदगी एक पिक्चर होती तो आप उसको क्या नाम देते? देता कभी खुशी कभी गम। नाइस। सबकी लाइफ में चलता ही है, कभी खुशी होती है कभी गम भी आता है। तो सब मेरा क्या, बहुत से लोगों का यही आंसर होगा। सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके लिए दोस्ती क्या है? दोस्ती मैं एक वर्ड में नहीं बोलता, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? जैसे आप कभी बोर हो जाते, कभी कुछ चीज रहती है जो हर किसी से शेयर नहीं कर पाते, और कभी ऐसा हो जाता है कि लाइफ में सब बोर हो जाते हैं ना अपन, कि नहीं कुछ किसी को तो कुछ तो करना है, शेयर करना है ये चीज। तो सब चीज दोस्ती के साथ ही कर सकते, दोस्त के साथ ही कर सकते अपन। तो दोस्ती एक सुकून भी है, दोस्ती रहना एक प्यार भी है, दोस्ती के साथ घूमना, लाइफ एंजॉय करना, दोस्ती बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। और वो दोस्तों लोग को साथ रहना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे मैं तीन क्वेश्चन ही पूछूंगी, आपके दो हो गए अभी, थर्ड क्वेश्चन। तीन वर्ड्स में अपने आप को डिस्क्राइब करो, अलग अलग तीन वर्ड्स, खाली ऐसे वर्ड्स। एक वर्ड। कैरिंग, लवेबल, कॉन्फिडेंट। वेरी गुड। सो गाइस, दिशा ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया है। अब नेक्स्ट, तो गाइस नेक्स्ट जो हमारे कंटेस्टेंट है वो है बिलाल भाई। तो बिलाल भाई, तुम्हारे लिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है। सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा कि गाइस, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, कोई भी चैनल पे हो, तो इस वजह से आरती दीदी आप बहुत लकी हो। थैंक यू। तो ठीक है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर ये तुम्हारे जिंदगी का आखिरी दिन होता तो तुम क्या करते? तो सबसे पहले मैं सोचता कि मैं सबको बता दूं कि मैं, मेरा आखिरी दिन है, और मैं सबसे अपने गिला शिकवा की माफी मांगता, और मेरे दिल में अगर कुछ रहता तो मैं उन लोगों को माफ करता। ओ वेरी नाइस, वेरी नाइस, नाइस आंसर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द आइडिया अबाउट अ परफेक्ट डेट? तुम्हारे लिए परफेक्ट डेट क्या है? देखो, परफेक्ट डेट वो है, परफेक्ट डेट का आइडिया ये है कि मैं जैसा सोचा इमेजिनेशन में, कि साथ में पहले जाके लड़की को पिकअप करना, फिर बाद में कहीं पर घूमना, जैसे कि बीच हो गया या फिर कोई अच्छी सीनरी हो गई, या फिर माउंटेन। तीन क्वेश्चन हो गए। नहीं सेकंड भाई ये। हाँ, फिर बाद में कहीं पे अच्छे से लंच या डिनर, उसके बाद ड्रॉप भी। ओ, ये है परफेक्ट डेट। जेंटलमैन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट ये है कि तुम्हारे जैसे जो टीनेजर्स हैं, उनको तुम क्या सजेशन देना चाहोगे? अगर एक सजेशन देना हो तो। मैं टीनेजर नहीं हूँ यहाँ पे, मैं अरे मतलब तुम्हारे से छोटे टीनेजर्स को तुम क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि टीनेज जो एज है ना, उधर वो टाइम पे बहुत ज्यादा ओवरथिंक और ईगोइस्टिक बन जाते सब। करेक्ट। तो वो अपने ईगो को लेट गो करना चाहिए बस, और कुछ। ओ वेरी नाइस भाई, गुड आंसर्स, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। ओके, सो लेट्स कॉल द नेक्स्ट कंटेस्टेंट, व्हिच इज अब्रेश। ओ
तो गाइज अबरेश आ गया है, अभी उससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि तुम्हारी लाइफ का ये मंथ में तुम्हारी लाइफ का एक हाई पॉइंट बताओ, मतलब खुशी वाला पॉइंट बताओ और एक दुख वाला पॉइंट बताओ। दो क्वेश्चन एक साथ नहीं, एक ही है ये। खुशी वाला? हाँ खुशी वाला मेरे को लग रहा था मेरे को बच्चा हो जाएगा। दुख वाला मेरी बीवी मायके चली गई थी। मेरी बीवी मायके चली आ गए अभी। हाँ। अभी आ गए तो गाइस ओके ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? डर ज्यादा सोच रहे गाइस अबरेश। मैं फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ। कर लो कर लो। डर रिश्ते का टूटना। ओके मतलब स्पेसिफिक कोई रिश्ता या कोई भी रिश्ता? सब सब सब। ओके ठीक है। सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन गाइस अबरेश के लिए ये है। सो ये थोड़ा मैं इसका आंसर जानना चाहूंगी अबरेश से। मैं नहीं बता दो बताना क्योंकि तुम जानना चाहते हो। नहीं नहीं मतलब ऑब्वियसली मैं इंटरव्यूअर हूँ। तो गाइस ये क्वेश्चन है कि प्यार करना आसान है या नफरत करना? नफरत करना आसान है, प्यार करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप एक इंसान को प्यार करते हो तो उसको प्यार को कंटिन्यू रखना थोड़ा वो हो जाता है, लेकिन प्यार कर सकते हो आप लोग, लेकिन नफरत हर टाइम नहीं कर सकते। आपको एक दिन जाके आपको रहम आ ही जाता। आप नफरत करना मुश्किल है कोई भी एक इंसान को, क्योंकि वो इंसान कभी ना कभी अपन उसके ऊपर प्यार आ ही जाता है। ओ मतलब नफरत के ऊपर भी प्यार आ जाता है। ओके गाइस इसमें जानना क्या है? नहीं मतलब मुझे ऐसे जवाब जाना था कि तुम किस कॉन्टेक्स्ट में बोले थे। कोई भी कॉन्टेक्स्ट में मुझे जवाब नहीं पता था कि ये सब चीज कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है ना कि सिचुएशन कैसी है। मुझे इसका जवाब नहीं पता था कि इसका एक्चुअल में जवाब है क्या, तो मैंने बोली तुमसे पूछ लेती हूँ, तुम बहुत मैच्योर हो ना, तो मैं बोली पूछ लेती हूँ क्या जवाब देगा। सो गाइस अब नेक्स्ट बुलाते हैं अबरेश की बीवी को। गाइस अभी आयशा आ गई है, सो अब उससे पूछते हैं क्वेश्चंस ठीक है। What is something in your life you are obsessed with? Instant. Okay. Guys, एकदम जबान पे ही डाल दिया। काशिफा है, काशिफा वाला सवाल पूछना आप, चौथा सवाल उड़ाने वाला। एक नहीं नहीं पूछना। एक मैं पूछूंगा तुम। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, तुम्हारी लाइफ में ऐसी कोई मेमोरी है जो तुम कभी भुलाना नहीं चाहते? मेरे अब्बा के साथ आखिरी बार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, एनी एडवाइस फॉर गर्ल्स? डेली स्किन केयर करो। आवाज है ना आपको, मेरी सास है। सोसाइटी क्या बोलेगी ये सोच के स्टेप मत बढ़ाओ। अगर आपके माँ बाप क्या सोचते हैं वो सोच के मतलब आगे स्टेप लो अपनी लाइफ। सोसाइटी Yes, guys, मैं भी अप्लाई चौथा क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ ब्रो से, बताओ। तो हाँ तो आपसे क्वेश्चन ये है कि सपोज जैसे नहीं नहीं आपने एक बार जैसे आपने अबरेश भाई को एक बार कहा था कि मुझे कार सीखना है, बराबर भाई? तो आप मुझे ये बताओ अबरेश भाई तुमको कार सिखाएगी, अब आप कार चला रहे हो, दोनों से पूछूंगा पहले, लेकिन जवाब एक साथ ही देना, पहले क्वेश्चन सुन लो दोनों के लिए ठीक है। ऑप्शन अलग अलग देने पड़ेगा? हाँ दे रहा हूँ ना। आप गाड़ी चला रहे हो, सामने अबरेश भाई और जिशान है, तो आप किसको मारोगे? ठीक है पहले रुको, इंस्टेंट जिशाना मतलब सोचने रुको, एक मिनट सुनो। आप गाड़ी चला रहे हो, सामने अबरेश भाई जिशान भाई है ठीक है, आप किसको मारोगे? और आप गाड़ी चला रहे हो और सामने जिशान है और अरसलान भाई है, तो जिशान को क्यों मरवा रहे हो? मैं ब्रेक मारूंगी। तुम ब्रेक मारोगे? अबरेश भाई की वाइफ ने एक भी बार नहीं सोचा, उनका ये था कि मैं ब्रेक मारू नहीं मारू, गाड़ी लेफ्ट में लू राइट में लू, लेकिन मैं डायरेक्ट जिशान को मारूंगी, तो ऐसा क्यों? मेरा भाई है। हाँ मैं मारूंगी तो उसको तकलीफ नहीं होगी। नहीं 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 मौत दे रहे हो मेरे को। अच्छा अच्छा अगर ये दोनों को नहीं मारना है तो आप थर्ड ऑप्शन क्या? बिलाल जब मैं ब्रेक मार दूंगी। ठीक है गाइस अभी नेक्स्ट कंटेस्टेंट है माय बेस्ट फ्रेंड अरसू। तो अरसू तुम्हारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है
ऐसा कौन सा टैलेंट तुम विश करते हो कि तुम्हारे पास होता? अच्छा टैलेंट जो विश करता, टैलेंट नहीं बोलूंगा गाइस, लेकिन ऐसा है कि गुस्से पे कंट्रोल अगर मैं ज्यादा कर सकता तो आज बहुत सारी चीजें सॉर्ट रहती थी मेरी, मेरे घर पे भी सॉर्ट रहता। ठीक है, नेक्स्ट चीज, ऐसी कौन सी चीज है आज आज के दिन पे जिसके लिए तुम ग्रेटफुल फील किए? अमूल चीज। आज का आज के दिन कौन तुमको से? ऐसा लगा कि नहीं यार मैं ग्रेटफुल हूँ इस चीज के लिए? ग्रेटफुल हूँ इस चीज के लिए, देखो वैसे तो उठा, ब्रश किया, नहाया धोया, जल्दी बोल यार। अच्छा हाँ देख, उठ कि हमको हमारे टेबल पे खाना मिल रहा है उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम स्ट्रेस से कैसे, मतलब कैसे फेस करते हो स्ट्रेस को, नॉर्मल कैसे होते हो उससे? कैसे बताए अब कैसे बताए तुम्हें स्ट्रेस वाल दिल मेरा क्या कह रहा। स्ट्रेस से कैसे फेस करता हूँ मैं, तो ऐसा है कि पहले पहले जब स्ट्रेस होता था तब इतना खास बॉन्ड नहीं था किसी के साथ भी, तो मैं बाइक वाइक चलाता था तो मेरे को अभी बहुत रिलीफ होता था, अभी भी वैसा ही है, लेकिन 96% या 97% आरती साथ में रहती है, तो आरती मुझसे बात करती रहती, चपड़ चपड़ करती थी, गुस्सा भी करती है और मैं भी गुस्सा करता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हम लोग दोनों गुस्सा, लेकिन मैं चेंज हो रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि, तो स्ट्रेस मोस्टली बात करने से ही खत्म हो जाता है। तो गाइस एक घंटा आधा घंटा चुप रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, लेकिन उसके बाद कोई एक चीज हंसने में आ गई ना तो फिर खत्म। कल भी मतलब ऐसा कुछ हो गया था कि हम लोग दोनों चुप ही बैठे हुए थे बाइक में, बहुत गुस्सा था और एक बात में इतनी जोर से हंसी आई हम लोग दोनों को, हम लोग दोनों हंसना चालू कर दिया। जब मैं स्ट्रेस में रहता हूँ ना तो मैं सो जाता हूँ, नींद आती है सीधा, कम्युनिकेट पर जाके लेने वाला करने वाला था कि सो जाता हूँ, लेकिन आई वाज आरती तो दर्द है वही चीज। मैं बोलने जा रहा था कि स्ट्रेस को फेस नहीं स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइफा। नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ गई है हाइफा, तो हाइफा से मैं पूछना चाहती हूँ कि हाइफा माँ बनने के लिए सबसे मुश्किल चीज क्या होती है? बेबी को बॉर्न देना। बस और कुछ भी मुश्किल हट नहीं रहती है? वैसे तो पूरे 9 मंथ बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उसको इंजॉय करते हैं हम, लेकिन जो लास्ट टाइम रहता है ना, हाँ, तो वो चीज थोड़ी थोड़ी बहुत ज्यादा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कैसे मालूम बहुत ज्यादा, देखियो मैंने ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब तुमको एक्सट्रीम गुस्सा आता है तब तुम किस पे निकालते हो? चीजें पटकती काशिफ, नहीं नहीं चीजें पटकती हूँ, चीजें काशिफ। हाँ वो हमने डेमो देखा है गाइस 2 दिन पहले, तुम डायरेक्ट चीजें पटकना चालू कर देते हो, सही है, किसी को लग गया तो उसीले तो फोड़ दिए। नेक्स्ट, ठीक है, शादीशुदा लोगों के लिए क्या एडवाइस है? इस जो भी हस्बैंड्स है आप लोग अपनी बीवी की सुनो, बीवी जो बोलती है वही करो। ये रियल लाइफ रियल इंसिडेंट हाइफा ने आपसे शेयर किए गाइस, तो थैंक यू सो मच हाइफा। एक साथ दो काम हो गए ना, काशिफ भी है इधर तो काशिफ ने भी सुन लिए। समझ गए, बाल कटा है ना, बस क्या, अभी आ जाओ काशिफ भाई तुम भी। सो गाइस नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ गए हैं काशिफ भाई, तो काशिफ भाई से मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, हर रिश्ते में गुस्सा इम्पोर्टेंट होता है या इंसान, मतलब कुछ भी गलती हो तो इंसान क्यों? वो डिपेंड करता है क्या गुस्सा कौन सा इंसान कर रहा है। अच्छा, किसी का बर्दाश्त हो जाता है और किसी का नहीं होता। कहना क्या चाहते हो? मतलब अगर मेरी वाइफ गुस्सा करेगी तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन सपोज कोई और करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इंसान मैटर करता है। ओके, अपने आप को, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने आप को कैसे लोगों से सराउंड करना चाहिए? वफादार। वफादार मतलब खत्म, अरे मतलब लॉयल, जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारी बुराई ना सुन सके और तुम्हारे बारे में कुछ फालतू के बर्दाश्त ना कर सके। ओके, बट वो पता कैसे चले? जो तुम्हारे अपने रह गए वो कभी तुम्हारी बैक बाइटिंग करेंगे नहीं और तुम्हारे से दूर हो गए, नो मैटर तुम साथ में हो या दूर हो। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन गाइस, तुमको सबसे ज्यादा खुश क्या चीज करती है? मेरी वाइफ और मेरे बच्चे।
एकदम स्ट्रेट सरल आंसर दिए गाइस काशिप भाई, ज्यादा तेज मैं नहीं बोल सकता ना मैं. चलो गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाहिद भाई. सो गाइस, लास्ट कंटेस्टेंट है हमारे जाहिद भाई. तो जाहिद भाई, पहला क्वेश्चन ये है कि अगर तुमको तुम्हारे प्यार के लिए कोई लॉ ब्रेक करना पड़े तो करोगे या नहीं करोगे? सॉरी, करना ही नहीं पड़ रहा है ना, अभी अच्छे से हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. अरे सिचुएशन है ये. करना पड़े तो, जेल जाना पड़े तुम्हारे को कोई भी चीज के लिए, रुइना के लिए, तो तुम करोगे? हाँ, चले जाऊंगा. आसान लगता है गाइस बोलने के लिए. ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हम लोग से पूछना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमको क्या लगता है तुम्हारी जीने की वजह क्या है? किसी और का आंसर नहीं, खुद का दिमाग दौड़ा. प्यार है ठीक है. ये क्वेश्चन का आंसर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बोलने वाले जो मैं सोच रही हूँ, बट देखते हैं. तुम्हारे लाइफ के रोल मॉडल कौन है? मेरे भाई लोग. मेरे को पता है गाइस, ये यही आंसर बोलेगा. हाँ सही बात है, बनता भी है, बनता भी है. भाई लोग इतने मेहनती है. सही बात है, सीखो फिर कुछ भाई लोग से. भाई लोग से सीख रहे हैं. सही बात है, इसलिए मैं आपकी नहीं लेता सीख कोई भी. चल पे इंटरव्यू हो गया. चल तो गाइस, इसी के साथ हम ये वीडियो को एंड करते हैं. और एक चीज लास्ट, अगर आप लोग चाहते हो मैं मेरे सारे फ्रेंड्स में से किसी एक का पूरा पॉडकास्ट बनाऊं तो आप मुझे जरूर कमेंट करना. तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल. सी यू नेक्स्ट ब्लॉग.